दोस्तों, मुस्कुराता हुआ चेहरा सभी को पसंद होता है और मुस्कुराते हुए चेहरे पर यदि हमारे दांत सफ़ेद और चमकदार होते हैं तब तो कहना ही क्या। परंतु यदि हमारे दांत पीले होते हैं, हमारे दांत अच्छे नहीं होते हैं दोस्तों, तो ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। हमें खुद को अपने आप में अच्छा नहीं लगता है यदि दांतों में हमारे पीलेपन की परत आ जाती है। और दांतों को साफ करने, सफ़ेद करने के लिए, चमकदार बनाने के लिए हम लोग तरह तरह के उपाय करते हैं। कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और ब्लीच भी कराया जाता है दांतों की सफ़ेदी के लिए। ब्लीच करवाते हैं और बाज़ार से तरह तरह के कई प्रोडक्ट भी लेकर आते हैं, परंतु कोई खास फायदा नहीं होता। आज मैं आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेकर आई हूँ जिसके पहले बार के इस्तेमाल से ही आप फर्क महसूस करेंगे। जो पीले या फिर थोड़े काले से दांत है दोस्तों, बहुत लोग गुटखा तम्बाकू खाते हैं ना, तो दांतों में थोड़ा पीलेपन के साथ ही कालेपन की भी परत चढ़ने लग जाती है, उसे तेज़ी से हटाएगा लेमन नींबू। हम सब के घर पर होता है एक नेचुरल ब्लीच होता है, जो आप लोग डॉक्टर के पास जाके दांतों पर ब्लीच कराते हैं ना दोस्तों, नींबू से अच्छा कोई ब्लीच नहीं है, क्योंकि नींबू एक ब्लीच का काम करता है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, किसी तरह का कोई केमिकल नहीं है, विटामिन सी से भरपूर होता है, हमारे मसूड़ों को स्वस्थ बनाता है और इसके साथ ही साथ हमारे दांतों में सफ़ेदी लाता है, पीलेपन की ज़िद्दी परत को तेज़ी से हटाने का काम करता है। अगली चीज़ यहाँ पर लेना है आपको टूथपेस्ट। यहाँ पर कोशिश करें दोस्तों वाइट वाला टूथपेस्ट लें, तब तो बहुत अच्छा है, और कोई भी कंपनी का आप लोग ले सकते हैं। और आप कुछ ही दिनों में इसके इस्तेमाल से ही फ़र्क महसूस करेंगे कि जो हमारे दांत खराब थे, पीले थे, कालेपन की परत थी, वह बिल्कुल ही अच्छा हो गया है। दांत हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसकी खूबसूरती के बिना हमारी खूबसूरती भी कम हो जाती है, फीकी पड़ जाती है। तो इसके लिए कई लोग दिन में दो बार ब्रश करते हैं, देखभाल भी करते हैं, परंतु फिर भी कई बार बहुत ज़्यादा दांत खराब हो जाते हैं। तो इस पीलेपन की परत को, कालेपन की परत को हटाने के लिए दोस्तों, इस रेमेडी में सबसे पहले टूथपेस्ट लेना है और आपको कुछ बूंदे नींबू की रस की लेना है। एक से दो ड्रॉप आप नारियल तेल डालें या फिर कोकोनट ऑयल जो होता है दोस्तों, ये मैं यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आपके मसूड़े स्वस्थ रहें। टूथपेस्ट और लेमन डालेंगे ना, नींबू डालने से थोड़ा सा दांत हमारे खट्टे से हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर मैं नारियल तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। कोई डर नहीं, ये ना सोचा अरे नारियल तेल हम मुंह में लगाएंगे। बहुत से लोग कोकोनट ऑयल से ही खाना बनाते हैं, साउथ तरफ तो नारियल तेल से ही खाना बनाया जाता है, बहुत पौष्टिक होता है दोस्तों नारियल तेल। तो आप ये ना सोचें कि अरे हम लगाएंगे तो हमारे दांत खराब तो नहीं होंगे, आपके दांत बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, बल्कि आपके मसूड़ों की मालिश होगी, मसूड़े स्वस्थ होंगे। पहले के समय लोग क्या करते थे, नीम की डंडियाँ होती ना, नीम की टहनी से, नीम के स्टेम से, इसी से तो दातुन करते थे। तभी तो पुराने समय के लोगों के दांत लंबे समय तक अच्छे रहते थे। दांतों में कीड़े, दांतों का टूटना या दाढ़ खराब होना, ये सारी चीज़ें एक उम्र होने पर ही हुआ करती थी, जो कि आजकल समय से पहले होने लगी है। बच्चों को देखिए, बच्चों के दांत सड़ने लगे, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, ये सारी चीज़ें हमारे दांतों को खराब करती हैं। तो मैंने यहाँ पर नींबू का रस निचोड़ लिया है। इस रेमेडी को दिन में एक बार करना है आपको, अपने दांतों पर मालिश करते हुए उंगली की सहायता से करें, आप अपने खुद के ब्रश की सहायता से करें, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे। आपको इसे मंजन करना है, ब्रश करना है। तो टूथपेस्ट लिया है और नींबू का रस लिया है और अब इसमें मिलाना कुछ बूंदे नारियल के तेल की, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। और ये पेस्ट है जो आपके दांतों को, गंदे पीले दांतों को मोतियों के जैसा सफ़ेद और चमकदार बना देगा। आपको इतना अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों कि आप खुश हो जाएंगे कि अरे वाह। और जैसा मैंने बताया, बहुत ज़्यादा दांत खराब होने का कारण यदि बड़े लोग जो बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं ना, उनके कारण, जो लोग तम्बाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं और साथ ही साथ स्वच्छता की कमी रहती है, उनके भी दांत खराब हो जाते हैं। बढ़ती हुई उम्र के साथ ही साथ दांतों में अगर खराबी आती है, कालेपन की परत, तो ठीक है कि भाई उम्र हो गई, 70-80 बरस के हो गए तो दांत खराब। आजकल 30-35 साल की उम्र में आप देखिएगा कई लोगों के दांत बहुत खराब होते हैं, अच्छी बात नहीं है दोस्तों। अपने आप को अच्छा रखना चाहिए, हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और अच्छी तरह से रहना चाहिए। पहले के लोग जो नीम से करते थे ना दोस्तों, तो नीम की लकड़ियाँ क्या होती थी, एंटीसेप्टिक गुण होते थे, इसी के कारण तो हमारे दांतों को भी स्वस्थ रखती थी नीम की लकड़ियाँ, टहनियाँ, और दांतों में जल्दी कीड़े नहीं लगते, दांत हमारे जल्दी सड़ते नहीं थे। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
और साथ ही साथ जो मैंने यहाँ पर लेमन जूस डाला है दोस्तों, नींबू क्या करेगा, आपके दांतों में मसूड़ों में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा या कोई बैक्टीरिया होगा उस संक्रमण को दूर करेगा। तो कुछ बूंदें नारियल के तेल की डाल दी है मैंने। नारियल तेल आपके मसूड़ों को स्वस्थ रखेगा, दांतों को चमकाने में, मसूड़ों को स्वस्थ रखने में और चमकाने में नारियल तेल बहुत ही मदद करेगा। हम लोग किसी चीज़ में तेल लगाकर रगड़ते हैं तो कैसा चमक आती है ना दोस्तों, बिल्कुल इसलिए यहाँ पर मैंने नारियल तेल का इस्तेमाल किया है। तो आप चाहें दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर हल्दी नहीं डाल रही हूँ, आपको रेमेडी नंबर 2 बता रही हूँ। आप चाहें यदि आपको मुंह से संबंधित कोई रोग है, पायरिया है, मुंह से बदबू आती है या आपके मसूड़ों से पस आता है, मसूड़ों में फूलापन है, मसूड़े लाल हो गए हैं, तो इस रेमेडी में आप चुटकी भर हल्दी ज़रूर मिलाएंगे। यहाँ पर पहले रेमेडी नंबर 1 पर मैंने हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया, केवल टूथपेस्ट, नींबू के रस की कुछ बूंदें, नारियल का तेल 3 से 4 बूंद भी आप ले सकते हैं। पेस्ट यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, आपको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी की रेमेडी बनाकर बताई है इसलिए मैंने नारियल तेल ज़्यादा लिया है। आपको एक बार के लिए थोड़ा और भी कम टूथपेस्ट लेना है, जितना आप लोग रोज़ करते हैं ना अपने ब्रश में बस उतना ही लें। ब्रश की सहायता से, उंगली की सहायता से अच्छी तरह से मालिश करते हुए लगाएं, जो आप 2-3 मिनट जो भी आप लोग ब्रश करते हैं बिल्कुल वैसे ही अपने दांतों पर नीचे ऊपर साइड में अच्छी तरह से इस पेस्ट से आपको ब्रश करना। अलग से फिर आपको टूथपेस्ट से लगाकर फिर से ब्रश की ज़रूरत नहीं है, सुबह उठकर आप इसी से ब्रश करें। हो सके तो आप एक बार रात को सोते समय भी इससे ब्रश कर सकते हैं यदि दांत बहुत ज़्यादा ख़राब है, नहीं तो एक बार में ही आपके लिए ये काफ़ी है। 3-4 दिन लगातार आप इसी तरह से ब्रश करेंगे, आपको अंतर महसूस होगा कि मेरे दांतों से जो पीलेपन और कालेपन की परत थी वह तेज़ी से कम होने लगी, दांतों में चमक आ गई है, दांत आपके बिल्कुल सफ़ेद होने लगे हैं। इसके बाद आप इस रेमेडी को बंद कर दें और फिर आपको लगता है कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद आपको फिर से लगता है कि मेरे दांत वापस थोड़े से येलोइश हो रहे हैं, तो आप फिर से इस रेमेडी को कर सकते हैं। रेमेडी नंबर 2 में भी सेम चीज़ ली है मैंने, सिर्फ यहाँ पर मैंने डाला है चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर नमक। नमक क्या करेगा, आपके मसूड़ों में जो भी सूजन है या मसूड़ों से खून आता है या फिर आपके दांतों में दर्द है या फिर दांतों में कीड़ा लगा है, तो नमक उस कीड़े को ख़त्म करेगा, मसूड़ों की नसों को स्टिम्यूलेट करेगा जिससे कि मसूड़ों के दर्द या मसूड़ों की सूजन से आपको राहत मिलेगी। नमक क्या करता है, सूजन को कम करता है, सूजन को उतारता है, दांतों के कीड़े को ख़त्म करता है। किसी भी चीज़ को हम लोग कैसे स्टोर करने के लिए नमक डालकर रखते हैं, नमक के टुकड़े डाल कर रखते हैं, जो ढेले वाला नमक आता है ना दोस्तों, तो वो चीज़ें हमारी ख़राब नहीं होती। तो अगर मुंह से संबंधित कोई रोग है दांत को सफ़ेद करने के अलावा, तो आप इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और चुटकी भर हल्दी। हल्दी मसूड़ों के घाव को भरेगी, दांत के कीड़े को ख़त्म करेगी, एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल प्रॉपर्टी होती है हल्दी में। 3 से 4 दिन लगातार इस्तेमाल करें, 100% रिजल्ट मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।